हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे आगमन विधि और निगमन विधि, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड होता क्या है। आपके जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें से एक सवाल इससे रिलेटेड जरूर आता है, और सी टेट में आपका कन्फर्म एक या दो सवाल, जैसे मैथ में अगर पेपर वन देंगे तो इसमें एक सवाल आगमन विधि और निगमन विधि से आएगा ही आएगा, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड से आएगा ही आएगा। और इसको मेन चीज़ है समझना, कि समझना क्या है। और वास्तव में चलो शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि इंडक्टिव या डिडक्टिव मेथड है क्या, कौन सा मेथड है। दोस्तों ये एक टीचिंग मेथड है, आप अगर बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसमें पढ़ाने का ये एक टीचिंग मेथड है, ठीक है। अब आइए इसी चीज़ को हम समझेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे दोनों चीज़ें, इंडक्टिव और डिडक्टिव, आगमन और निगमन दोनों विधियों को हम देखेंगे कि इसकी अर्थ क्या होती है। सबसे पहली चीज़ हम क्या देखेंगे भाई, इसकी हम देखेंगे अर्थ क्या होती है, मीनिंग क्या होता है। दूसरा इसकी डेफिनेशन, इसको कैसे आप परिभाषित कर सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ ही समझेंगे। उसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज, गुड और दोष भी देखेंगे, मेरिट्स और डीमेरिट्स भी देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, एंड आई होप यू गाइस आर रेडी। अगर आप रेडी हैं तो स्वागत है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो बिना किसी देरी के आसान से शब्दों में हम एक चीज़ समझेंगे, आगमन विधि का मतलब क्या होता है। देखो आगमन विधि का मतलब होता है दोस्तों कि जब हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, इसको किसी अन्य नामों से जाना जाता है, हम आगमन विधि को और दूसरे नामों से जाना जाता है। जैसे हम आगमन विधि को कहते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मतलब कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की ओर। इसको एक और कहते हैं नोन से अननोन की तरफ, मूर्त से अमूर्त की तरफ। इसका मतलब क्या है कि जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं कोई चीज़, तो आप इस मेथड से पढ़ाएं कि सबसे पहले अगर उसे कुछ पता है तो उसे जो चीज़ें पता है उससे रिलेट करके आप वो चीज़ें बताइए जो उसको नहीं मालूम है। उसको जो ज्ञात है, ज्ञात से अज्ञात, नोन से अननोन, विशिष्ट से सामान्य, और क्या था भाई, तो इन तरीके से आप पढ़ाएंगे। अब आप कहोगे सर ये कैसे मेथड है, ये कैसे हम पढ़ा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए आप मैथ पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो हर एक बच्चे को पता है कि कोई भी अगर मान लो चार लाइन से अगर कोई शेड घिरा हुआ है, कोई आकृति अगर चार लाइन से बनी है तो उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। आप इस बच्चे को बताएंगे, फिर आप उस बच्चे को बताएंगे कि इस आकृति का, इस चतुर्भुज की चारों भुजाएँ नापो, तो बच्चा इन चारों को नापता है, कहता है कि ये और ये और ये, वो देखता है कि चारों भुजाओं की नाप आपस में बराबर है। तो वो खुद से सीख रहा है, उसको पता है कि चार आकृति होती हैं, फिर उसने नाप के देखा कि चारों की भुजाएं आपस में क्या है, ऑल द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल। तो अब आप उसको नियम देंगे, नियम बताएंगे कि देखो जब किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तो हम उसे वर्ग कहते हैं। तो बच्चा कहेगा अच्छा, तो इसे हम वर्ग, इससे पहले बच्चे को स्क्वायर के बारे में, वर्ग के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे ही आपने उसे बताया कि जब किसी रेक्टेंगल के चारों साइड्स इक्वल हों तो वो क्या होगा, वर्ग कहलाएगा। तो कहते अच्छा, उसमें आप एक और चीज़ उसको समझाएंगे, एक बच्चे को एंगल निकालना मान लीजिए पता है, जैसे उसको अगर आप वो चांदा देते हैं, डी देंगे, तो उसको ये एंगल निकालना पता है, वो कहेगा कि ये 60 डिग्री है और वो कहेगा कि ये जो है उसका 90 डिग्री है, उसको ऐसे समझ में आता है, ठीक है। अब आप एक काम उसको और करेंगे, उस बच्चे को करेंगे कि जब चारों साइड बराबर है तो आप कहेंगे कि बच्चों इसका एंगल निकालो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसका एंगल निकालेगा। और जब एंगल निकालेगा तो आपसे कहेगा कि सर या मैडम इसके एंगल्स, चारों एंगल 90 डिग्री हैं, तो आप कहेंगे एग्जैक्टली। तो ये स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टीज़ होती है कि उसके चारों एंगल क्या होंगे, 90 होंगे। तो इस तरीके से आपने सिखाया, बच्चे को मालूम था एंगल निकालना, बच्चे को मालूम था साइड के बारे में, और आपने उसको जो चीज़ें मालूम थी उससे ये चीज़ें बता दी जो उसको नहीं मालूम थी, मतलब उसको जो ज्ञान था उससे जो अज्ञान वाली चीज़ें थी वो आपने बता दी, आपने उदाहरण से नियम बता दिए। वास्तव में इसी तरीके को क्या कहते हैं, इसी तरीके को हम कहते हैं आगमन विधि, इसी को हम क्या कहते हैं, आगमन विधि। अब आपने जो समझा उसको अपने शब्दों में लिखिए, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है जितना कि आपके अपने शब्दों का अर्थ है। तो अगर आप एग्जाम में भी लिखते हैं तो आप अपने शब्दों में लिखिएगा, बस इतना याद रखिएगा कि आगमन का मतलब कि हमें जो ज्ञात है उससे हम अज्ञात की तरफ बच्चों को ले जाएं। अब आइए ज़रा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, तरह देख लेते हैं किताबों में क्या लिखी है, समझ तो आपको बखूबी आ गई होगी। चलिए, आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्य एवं घटनाओं के लक्षण एवं विश्लेषण द्वारा सामान्य नियम व सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। विशेष, बच्चे को जो पता है उससे आपने एक नियम निर्माण करके बच्चों को बता दिया। आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र में प्रयोग किया जाता है। मूर्त का मतलब जो बच्चा जानता है, जो बच्चों की तरफ दिखाई देता है, और अमूर्त की तरफ जो उसे नहीं पता है। तो जो जानता है उससे जो नहीं पता है वहाँ तक ले जाने वाली प्रक्रिया जो होती है, मेथड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आगमन विधि कहते हैं। बात समझ में आ गई। अगर आप कुछ और एग्जाम्पल्स लेना चाहते हैं तो आपने बच्चे को एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से दे दीजिए। आपने बच्चे से कहा कि टू
दो को दो में जोड़ो, वो कहेगा सर चार। फिर कहा आपने फिर दो और जोड़ो, फिर कहेगा सर छः। फिर उसने कहा कि आप और जोड़ो, दो एक और जोड़ लो, तो वो कहेगा सर दो को अगर हम चार बार जोड़ते हैं तो वो आठ हो जाता है। तो आप उसको बताओगे अगर हम दो को चार से गुणा कर दे तब कितना होगा, अगर दो दो चार है तो डायरेक्ट चार से गुणा कर तब। तो इस तरीके से आप उसको क्या बताएंगे, नियम बताएंगे, इस तरीके से आप उसको क्या बताएंगे, पहाड़ा बता सकते हैं, टेबल बता सकते हैं। मोटा मोटी कहने का मतलब है जो बच्चे को ज्ञान है उससे अज्ञान की उससे उधर लेके जाना जो उसको मालूम नहीं है, उस नियम बता देना, वास्तव में ये क्या कहलाता है, आगमन विधि कहलाता है। और सीधा इसके विपरीत, इसके जो ऑपोजिट होगा वो निगमन विधि होगा। अब सर आपको कहोगे सर निगमन विधि का क्या एग्जांपल है, निगमन विधि का एग्जांपल ये है कि हमने बच्चे को नियम बता दिए, हमने पहले ही उसकी उसको नियम बता दिया कि ऐसा है कि वह 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 रेक्टेंगल जिसके चारों साइड्स इक्वल हो और उनके बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, तो वो स्क्वायर होता है, हमने बच्चे को बता दिया। अब उसको ले जाके प्रूफ कराएंगे और उस बच्चे को उस पर प्रैक्टिस कराएंगे, उस पर क्वेश्चन कराएंगे। तो जब हम नियम बता के फिर उसको हम उसको एग्जांपल देते हैं तो वो निगमन विधि, वो निगमन विधि। अब यहाँ तक समझ में आ गई, अब चलिए हम जरा इसको थियोरी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो विद्वान लेन के अनुसार जब हम किसी छात्र के सम्मुख बहुत से तथ्य उदाहरण आदि प्रस्तुत करते हैं फिर उन्हें स्वयं निष्कर्ष निकालने को कहते हैं, इस शिक्षण को आगमन विधि कहते हैं। बात समझ में आ गई, बिल्कुल वही मैंने बताया, वो जब वो स्वयं से नियम निकालेगा उदाहरण के बाद तो वो होगा आगमन विधि। ओके, निगमन विधि किसे कहेंगे, जरा निगमन विधि को हम देख लेते हैं कि निगमन विधि किसे कहेंगे। निगमन विधि का अर्थ देखिए, निगमन विधि शिक्षण की निगमन विधि उसे कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ा जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि निगमन विधि आगमन विधि की बिल्कुल विपरीत है। अच्छा, निगमन विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक बालकों के सामने किसी सामान्य नियम रखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसी सामान्य नियम को रखते हैं, तत्पश्चात उस नियम की सत्यता की प्रमाणित करने हेतु विभिन्न उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहने का अभिप्राय है कि निगमन विधि विभिन्न प्रयोग एवं उदाहरणों के मध्य से किसी सामान्य नियम की सत्यता सिद्ध करना है। मतलब आप क्या करेंगे, पहले नियम बता देंगे फिर उसको उदाहरण से उस नियम को सिद्ध करेंगे, जबकि इसके विपरीत आगमन विधि में क्या था, आप पहले उदाहरण के साथ चलेंगे फिर आप एक नियम बना लेंगे। समझ में आ गई बात। देखिए लैंडन ने कहा था कि निगमन विधि द्वारा पहले परिभाषा या नियम सूत्र सिखाया जाता है, पहले परिभाषा और नियम सूत्र, जैसे मैंने आपको स्क्वायर का एग्जाम्पल दिया, तत्पश्चात अर्थ का सावधानी से स्पष्टीकरण किया जाता है, अंत में तथ्यों का प्रयोग करके पूर्णतः स्पष्ट किया जाता है। बात समझ में आ गई, अब आपने ये चार चीजें समझ गई ना, बस बहुत अच्छा बच्चों, इसी से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, अब सीटेट में कैसे सवाल पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है कि जैसे कि एक महिला, एक टीचर, जैसे मान लीजिए कोई नाम दे देगा कि प्रीति, प्रीति अपने बच्चे को उदाहरण देके फिर नियम की नियम बताती है, प्रीति निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग करती है, आगमन विधि, निगमन विधि, दो और विकल्प देगा, तो प्रीति ने पहले उदाहरण दिया बाद में वो नियम समझाती है ना, तो फिर वो कौन सी विधि हो जाएगी, वो विधि हो जाएगी आपकी आगमन विधि, क्योंकि पहले उसने उदाहरण दिया। समझ में आ गई, इसी तरीके से सवाल आते सीटेट में कई बार पूछा गया है। जब हम इस पे हम क्या करेंगे ना, अगले वीडियो में इस टॉपिक से जितने सीटेट के क्वेश्चन आए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, आप उस वीडियो में बने जरूर रहिएगा। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं, आगमन और निगमन विधि को हमने यहाँ तक समझा, तो इसका जरा हम गुण देख लेते हैं कि आगमन विधि की क्वालिटीज़ क्या होती है। देखो सबसे पहली बात कि ये बच्चों के लिए यूज़ होता है, जैसे छोटे क्लास में बच्चों को पहले आप उदाहरण देंगे तो ये बच्चों के लिए यूज़ होता है, ये ज़्यादा समझ में आता है। तो आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलने वाली है, सरल से जटिल की ओर, तो उदाहरण द्वारा बाल को सामान्य निकलवाते हैं, इससे बालक सक्रिय एवं प्रसन्न, मतलब बच्चे एक्टिव होते हैं और खुश होते हैं, उनको रुचि आती है इसमें। इस विधि बालक का विश्लेषण सामान्य नियम समय निकालते हैं, आगमन विधि द्वारा प्राप्त बालक को सीखने हर स्तर पार करना पड़ता है। देखो सिंपल सी बात है, जब बच्चा खुद से नियम निकालेगा तो पहला उसका क्या है कि पहला वो एक्टिव रहेगा, इसको हम साइड कर लेते हैं, पहली बात क्या है कि पहला बच्चा एक्टिव रहेगा, दूसरी बात बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा, रुचि लेगा, तीसरी बात बच्चा जो सीखेगा ना वो काफ़ी स्पष्ट होगा उसके लिए और वो ज़्यादा समय तक रहेगा, और बच्चा नवीन ज्ञान की खोज करेगा, क्या करेगा, नवीन ज्ञान की खोज करेगा, उसे एक ट्रेनिंग मिलेगी इस चीज़ों की, और ये क्या है, बच्चों को सोचने समझने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। ठीक है, और ये एक वैज्ञानिक विधि है, इससे बच्चे आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, खोज विधि की प्राप्ति होती है, ये इसके गुण की बात हो गई। अच्छा, दूसरा इसके कुछ हो सकता है डिसएडवांटेज हो, डीमेरिट्स हो, इसके कुछ दोष भी हो। दोष में यह विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि अधिक विस्तार विद्यार्थी रुचि का, अब बहुत ज़्यादा अगर बच्चे हैं बड़े बड़े फॉर्मूलाज हैं तो वहाँ तक सिद्ध कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए बड़े क्लासेस में, जैसे इंजीनियरिंग की बात हो गई, अब किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च करके कोई फॉर्मूला दिया, जैसे मान लो E = mc²,
अगर किसी आइंस्टाइन ने E=mc² निकाला तो हमें तो बस पता है कि चलो E=mc² होता है। अब हम इसको प्रूफ करने चले कि कैसे उन्होंने प्रूफ किया, या फिर लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो कैसे इतनी होती है, सूरज से पृथ्वी की दूरी, तो हम इसको सिद्ध करने चले तो बड़ा टाइम लगेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, बड़े कक्षाओं में हम क्या करते हैं भाई, बड़े कक्षाओं में हम डायरेक्ट फॉर्मूला या डेफिनेशन बता देते हैं और उस पर उदाहरण हम हल करते हैं। आगमन तर्क द्वारा पूरी तरह से निष्कर्ष नहीं निकाल सकते क्योंकि यह विधि केवल संभावना स्थापित करती है। ठीक है, केवल संभावना मतलब थोड़े थोड़े चीज़ों को निकाल सकते हैं क्योंकि बड़ी कक्षाओं में सूक्ष्म विचारों पर चर्चा की जाती है न कि स्थूल, अतः बड़ी कक्षाओं के लिए यह विधि इतनी प्रभावशाली उपयोगी नहीं है जितनी छोटी कक्षाओं के लिए। अच्छा, सवाल ये भी पूछ सकता है कि छोटी कक्षाओं के लिए निम्न में से कौन सी विधि ज़्यादा उपयोगी है, आगमन या निगमन? तो आप क्या मारेंगे, आगमन मारेंगे, बड़ी कक्षाओं में निगमन मारेंगे। समझ में आ गया। यह अध्यापकों और विद्यार्थियों में अधिक समय मांग करता है। अब इसमें क्या लगता है, समय अधिक लगता है क्योंकि आपको कहाँ चलना है, आपको चलना है उस मेथड की तरफ। अब इसी तरह आपने निगमन विधि को जो समझा, निगमन विधि के विगमन विधि के उदाहरण तो आप लिख लीजिए। बच्चे को पहले प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताओ फिर पेड़ का उदाहरण दिया जाए। समझ में आ गए बात, बच्चे को पहले आप प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताइए फिर उसको क्या करिए, पेड़ का एग्जाम्पल दीजिए। विज्ञान की शिक्षा देते समय बालक में किसी भी सामान्य नियम का प्रयोग द्वारा सिद्ध कराया जा सकता है। जिस तरह इस विधि का प्रयोग विज्ञान के शिक्षण में किया जाता है, इसी तरह का प्रयोग व्याकरण, अंकगणित, ज्यामिति आदि अन्य विषयों के शिक्षण में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई दोस्तों कुछ निगमन निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड्स के एग्जांपल्स। अगर हम इसके पॉजिटिव चीज़ों की बात करें, निगमन विधि के गुण की बात करें, तो निगमन विधि का की गुण क्या होती है कि बड़े कक्षाओं को आसानी से पढ़ाया जा सकता है, बच्चे इसमें समय कम लेते हैं। निगमन विधि द्वारा जानकारी प्राप्त करते ही उन्हें अशुद्ध नियमों एवं जानने का अवसर नहीं मिलता। अब हो सकता है वो खुद से करेंगे तो कुछ गलत चीज़ें भी सीख सकते हैं या कुछ गलत नियम जान सकते हैं, लेकिन जब आप निगमन विधि से बच्चे को डायरेक्ट आपने डेफिनेशंस और नियम बता दिया तो उसमें शुद्धता ज़्यादा होती है, अशुद्धि की कमी हो जाती है, अशुद्धि की चांसेस नहीं रहती। किसी विधि का प्रयोग समय एवं शक्ति दोनों की बचत होती है, ऑब्वियस बात है। निगमन विधि शिक्षक बनाए नियमों एवं बालकों के सामान्य प्रस्तुत करता है, इस तरह निगमन विधि जो है शिक्षक के लिए बहुत ही सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। तो यहाँ तक बात हो गई दोस्तों निगमन विधि के गुण की। अगर एक लास्ट पॉइंट हम निगमन विधि के दोष देख लेंगे फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे, फिर अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आगमन और निगमन विधि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड से जितने भी सीटेट में आपके सवाल पूछे गए उसको एक जगह पे हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मुझे उसके लिए क्या चाहिए, आपका सपोर्ट। सो बी स्टे ट्यून विद माई चैनल्स, ओके। तो यह विधि दोष की बात करें निगमन विधि की, यह विधि नई खोज करने के लिए उपयुक्त नहीं है। मैंने बताया ना आपको, निगमन का मतलब आपने नियम परिभाषा बता दी उसके बाद आप उदाहरण की तरह चल रहे, तो बहुत ज़्यादा खोज के लिए उपयोगी नहीं मानी जाती है। इस विधि में विद्यार्थी मौलिक एवं क्रिएटिविटी सृजनात्मकता का विकास नहीं होता है, बहुत कम होता है, ऐसा नहीं कह सकते नहीं होता है, बहुत कम होता है। इस विधि में मनोवैज्ञानिक नहीं है क्योंकि इसमें व्यक्ति विभिन्नता को जाने, या एग्जैक्टली। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मनोवैज्ञानिक विधि ये कहता है कि बच्चों को उनकी योग्यता, बालक केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब होता है कि जब आप बच्चे को पढ़ाएं ना तो उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाएं, उनके पसंद के, उनकी क्षमता के अनुसार पढ़ाएं। तो जब आप आगमन विधि से उनको करके सीखने के लिए देंगे तो वो अपनी रुचि से करेंगे, अपने स्तर से करेंगे। लेकिन निगमन विधि में आपने एक साथ सबको परिभाषा बता दिया, अब सबको एक साथ परिभाषा बता दिया, नियम बता दिया। हो सकता है कुछ बच्चा क्रिएटिव है, मतलब टैलेंटेड है, वो जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा लेट से सीखते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें मनोवैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, साथ ही साथ इसमें सूक्ष्म से स्थूल की अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया जाता है, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ। यह रटने को बढ़ावा देती है, सही बात है कि डेफिनेशन रट लीजिए। इस विधि में अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है, एग्जैक्टली। जैसे बड़े क्लासेस में आपने अगर कोई चीज़ फॉर्मूला याद करके उस पर केवल प्रैक्टिस करी तो उसी समय तक याद रहेगा, अस्थायी होती है। इस ज्ञान से प्राप्त ज्ञान अपूर्ण और अस्पष्ट होता है। इस विधि के प्रयोग विद्यार्थी के तर्क विचार करने का अवसर नहीं निकालता, केवल उच्च कक्षाओं के लिए यह क्या है, उपयोगी है। ये इसके क्या हो गए, डीमेरिट्स हो गए, यानी कि दोष हो गए। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम यहीं तक समाप्त करेंगे, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसमें कुछ नहीं था आगमन और निगमन में, बस इतना समझ लीजिए आगमन एवं, मुझे शेर याद आ गई कि वो इश्क नहीं आशा, बस इतना समझ लीजिए ये आग का दरिया है, इसमें डूब के जाना। तो ये आगमन और निगमन विधि ये मुश्किल नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि जब आप नियम से उदाहरण की तरफ जाएंगे तो वो निगमन कहलाएगा, और जब आप उदाहरण से जो नियम की तरफ जाएंगे तो वो आगमन कहलाएगा। समझ में आ गई बात, जहाँ बच्चे खुद सीखते हैं, पहले उदाहरण से खुद करते हैं तो वो आगमन कहलाता है, ठीक है, इंडक्टिव कहलाता है। और जब बच्चे नियम जानते हुए परिभाषा रट लिए, नियम रट लिए, उसके बाद जब आएंगे उदाहरण की तरफ तो वो डिडक्टिव कहलाता है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है आपको, मैं खुद कन्फ्यूज हो जाता हूँ जब बहुत दिन बाद अगर इस चीज़ को पढ़ता हूँ तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ।
यहाँ पे लिखा है डिडक्टिव। डिडक्टिव आपने अक्सर देखा डिडक्ट, डिडक्ट थोड़ा सा नेगेटिव सेंस देता है, डिडक्ट करने से मेरे अकाउंट से पैसे किसी ने डिडक्ट कर लिए तो नेगेटिव सेंस देता है। तो जब डिडक्शन होगा ना, जब डिडक्शन होगा, डिडक्शन 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 आपका दूसरा मेथड हो जाएगा, जहाँ पे आप पहले नियम रटाते हैं, परिभाषा रटाते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा है इंडक्टिव, आगमन। आगमन कितना, थोड़ा सा आगमन है तो सब पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव मतलब अच्छा होगा। पहले आप उसको उदाहरण बताएंगे फिर नियम की तरह बताएंगे, तो इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। सो इस वीडियो में मेरा और आपका साथ यहीं तक। मैं आशा करता हूँ कि ये दो मेथड तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जब हम अगला एक वीडियो में सी टेट में जितने भी सवाल पूछे गए ना आगमन और निगमन विधि से उसको देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आशा करते हैं कि यहाँ भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपके बीएड के एग्जाम में बच्चों, आपके बीएड के एग्जाम में एक सवाल पूछेगा, जरूर पूछेगा, आगमन विधि या निगमन विधि जरूर पूछता है। खासतौर पर जिनका अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ है ना, तो मैथ है तो बस यूँ समझ लीजिए कि आपका एक सवाल यहाँ पे मैं आउट कराता हूँ, कि मैथ में एक सवाल तो आगमन और निगमन विधि से आता ही है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम्स के लिए। पढ़ते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं जुड़े चैनल से तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी अपने और दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।